जन कल्याण योजना जागरूकता अभियान का जिला महामंत्री बना दिया, यानी हत्या का आरोपी अब पुलिस पर रौब जमाएगा। रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या को शायद आप भूले नहीं होंगे। खूब हंगामा मचा था प्रदेश में, सियासत में खलबली मच गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये एक सामान्य घटना हो गई और लोग भूलने लगे। फिर एक बार ये कांड सुर्खियों में है। इस हत्याकांड में जमानत पर चल रहे मुख्य आरोपी शिखर अग्रवाल को अब राष्ट्रवादी मान लिया गया है और बाकायदा बीजेपी नेता बनाया गया है, वो भी ऐसा वैसा नहीं पद देकर। बुलंदशहर में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया ने शिखर अग्रवाल को प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जागरूकता अभियान का जिला महामंत्री बनाया है। पार्टी ने मेरी छवि को देखा है जनता के बीच में, जनता के बीच में मेरे काम करने के तरीके को देखा है, और जो संस्था है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी अभियान योजना, इसके जिलाध्यक्ष प्रीतम कुमार जी ने एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यतेंद्र कुमार सेन जी ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी को बखूबी निभाया जाएगा, क्षेत्र क्षेत्र में, गांव गांव में, जनता के बीच। तो मैं आपको बता दूं, उस संस्था का भारतीय जनता पार्टी से कहीं दूर दूर का कोई संबंध नहीं। कौन संस्था के पदाधिकारी किसको नियुक्त कर रही है, क्या उसके क्रियाकलाप है, अभी तक वो क्या कर रही थी हमें जानकारी भी नहीं है। शहर के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारी आए और एक कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया। अब उन्होंने किसको पदाधिकारी बनाया है, किसको नहीं बनाया, मैंने तो आज आपके कुछ पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला कि कोई अराजक तत्व है जिसको बनाया गया है। आपको याद नहीं होगा, लेकिन हम आपको याद दिला देते हैं कि घटना 3 दिसंबर 2018 की थी, जब सियाना के चिंगरावटी में इंस्पेक्टर सुबोध शहीद हुए थे। उसी आरोपी को जिलाध्यक्ष जी नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। शिखर अग्रवाल के जमानत पर बाहर आने पर भी जश्न मनाया गया था और अब सोशल मीडिया पर भी आरोपी ने फोटो पोस्ट किए हैं, यानी अपराधी अब नेता बन चुका है, सत्ता सुख भोगेगा और अभी तक जो जेल में था वो थाने में भौकाल भी दिखाएगा। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। इधर यूपी पुलिस के लिए